हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन कल्चर के अतरंगी फैक्ट जो विदेशियों को हजम नहीं होते, वियर्ड फैक्ट अबाउट इंडिया। गेट सेट फ्लाई फैक्ट का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काफी कमाल की वीडियो होने लगी है, बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। कैसे फैक्ट है मैं आपसे कहूं कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहां लोग पूजा की थाली के बदले हाथ में हथियार लिए जाते हैं लोगों की जान लेने। और हैरानी की बात तो यह है कि इस बात के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि दैट इज एक्चुअली अ रिचुअल। और ऐसे ही हैरान कर देने वाला एक और एक रिचुअल है थेपूसा, जिसमें सुई जितने पतले चीज को आर पार करने के बजाय सीधे सीधे भालों को ही लोगों के आर पार करते हैं। इसके अलावा लोगों को पेड़ों में जंजीरों से भी टांग दिया जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स के नाम पर। बट आई विल से ये तीनों फिर भी कुछ नहीं है। इंडिया में एक ऐसा भी ट्रेडिशन है जहां औरतें दरगाह में जाकर पहले तो अपनी प्रेगनेंसी के लिए मन्नत मांगती है, एंड जब बेबी होता है तब उस मन्नत को पूरा करने के लिए बच्चे को 50 फीट की हाइट से नीचे फेंक। अब ये कहां, क्यों और किस वजह से हो रहा है, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में जिसका टाइटल है Wacky Things About the Indian Culture। Let's begin। ये देखकर आपको दर्द हुआ तो जरा संभल कर आगे बढ़ना, क्योंकि आगे है ये क्या बे? हम तुम में इतने छेद करें कि कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब चुलबुल पांडे के छेद वाले डायलॉग को इतना सीरियसली ले लिया कि ये हाल हो गया। मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ। इंडियन कल्चर की ये कौन सी अजीबोगरीब रिचुअल है जहां सुई से लड़ने वाले पूरी बॉडी में होल करवाने को तैयार हो जाते हैं? वेल, ये एक नहीं दो रिचुअल्स है। पहला रिचुअल है थाईपूसाम। तमिलनाडु में जनवरी एंड से फरवरी के बीच मनाई जाने वाली ये रिचुअल को भगवान मुरुगन यानी शिव पार्वती के बेटे कार्तिकेय, जिन्होंने अपनी माँ पार्वती से मिले भाले से असुर और असुरों की सेना का वध किया था, उन्हें खुश करने के लिए किया जाता है। और आज इनके भक्त ऐसे ही वेल्स, क्यूअर्स, हुक्स को अपने बॉडी पार्ट्स के आर पार करके या हुक लगाकर अपनी स्किन से ट्रैक्टर्स या वैसे ही ऑब्जेक्ट्स खींचते हैं ताकि मुरुगन उनसे खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दे और उनकी तकलीफों को और बुरी शक्तियों को दूर। नंबर टू, गरुड़ा थूकम। ये रिचुअल केरला में भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि दारिका नामक राक्षस का वध करने के बाद भी देवी काली की खून की प्यास ना बुझने पर अपने गरुड़ को काली के पास भेजकर उनकी प्यास बुझाकर विष्णु ने दुनिया के सर्वनाश को रोका था। इसलिए डिवोटीज गरुड़ा की तरह ड्रेस करके भगवान विष्णु के रथ पर अपनी पीठ से लेकर टांगों तक बड़े बड़े छेद करवा कर उसमें शार्प मेटल हुक्स के जरिए किसी ईगल की तरह लटका देखो भाई, जिसके बाद विष्णु के इस रथ को पूरे शहर का चक्कर लगवाया जाता है। उनके मुताबिक इन अजीब रिचुअल्स का कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि खुद इन देवी देवताओं ने तो आकर इंसानों को खुद को इस तरह तकलीफ देने के लिए तो नहीं कहा था ना। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चलिए नजर घुमाते हैं मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट और लेजिट ऑनलाइन रमी प्लेटफॉर्म क्लासिक रमी पर, जहां आप सबसे सेफ, सिक्योर, रिवॉर्डिंग तरीके से ऑनलाइन रमी खेल सकते हो। अब देखा जाए तो इंडिया और बाकी दुनिया में स्मार्टफोन गेमिंग एप्स के लाइफ स्टाइल में जगह बना लिया है। और अगर आप भी एक ग्रेट ऑनलाइन गेमिंग एक्सपीरियंस की खोज में हो, क्लासिक रमी आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहां शुरुआत ही है बड़ी मजेदार। यानी क्लासिक रमी में आपको 100% वेलकम बोनस मिलता है, वो भी अप टू 8,500 रुपीस। यही नहीं, आपको एक स्टनिंग लॉबी के साथ ही बेटर एक्सेस, ग्रेट ग्राफिक्स, स्मार्ट डिजाइन और तो और हाईली एफिशिएंट यूजर इंटरफेस भी मिलता है। और अगर आपके अंदर भी हेल्दी चैलेंज और रमी स्किल्स का कीड़ा है तो आपको फन पैक एक्साइटिंग कैश टूर्नामेंट्स में सिर्फ मजा ही नहीं आएगा, बल्कि आपको असली कैश जीतने का भी मौका मिलेगा। अपनी विनिंग अमाउंट को कभी भी कहीं भी और किसी भी बैंक अकाउंट या ई वॉलेट से विड्रॉ करो, एंड दैट टू इस सब का मजा 24/7। जाओ भी और डाउनलोड करो क्लासिक रमी और खेलते खेलते जीतो रियल कैश। पर वहीं साइकोलॉजिस्ट की अगर माने तो उनके मुताबिक ये एक सुपरस्टिशियस बिहेवियर है, जिसमें लोग को अकरिंग इवेंट्स और नॉन रिलेटेड इवेंट्स के कनेक्शंस का अजम्पशन करके उन्हें सच मान लेते हैं। और इस सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी बिहेवियर की एक बड़ी वजह यह होती है कि इनसे इंसानी दिमाग को कंट्रोल महसूस होता है और एंजाइटी कम होती है, विच इज बट ऑब्वियस, क्योंकि इंसान के दिमाग को कोई भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल नहीं पसंद है। अगर ऐसा हो तो वो हड़बड़ा जाता है, इनसिक्योर हो जाता है। और साथ ही कुछ रिसर्चर्स की 2010 में हुई एक स्टडी में ये पाया गया कि बॉल के खेल में उन्होंने जिन स्टूडेंट्स से बॉल के लकी होने की बात की थी, उनकी परफॉर्मेंस रेगुलर बॉल से खेलने वाले स्टूडेंट्स से बेहतर थी। यानी ये साफ है कि सारा खेल लक का नहीं पर दिमाग का है, जिसे सुपरस्टिशन की दौर से बांध कर लोगों के विश्वास का फायदा उठाया जाता है।
नंबर टू बालदान बलिदान। अगस्त 2012 की एक शाम सूरज के ढलते ढलते गुजरात के पलिताना मंदिर में 200 लोगों ने एक साथ अपने बालों का दान कर दिया, पर अपने बालों को काट कर अपने ही हाथों से अपने बालों को नोच नोच कर लेकिन क्यों? तो इन 200 लोगों के साथ ही इस रिचुअल को हजारों की तादाद में मनाने वाले लोग कोई और नहीं इंडिया में बसे जैन्स हैं, जो गंगा की घाटियों से आकर आज यार हर धर्म का अपना अपना कोई ना कोई भाई रिचुअल होता है। इसी बालों के दान की अनसुनी अनदेखी रिचुअल 2500 साल पुरानी रीत से जन्मी है, जिसे महावीर ने 30 साल की उम्र में दीक्षा मिलने पर परिवार राजपाट त्याग करने 12 साल तक एनलाइटनमेंट की तपस्या करने के बाद दुनिया की हर चीज से परे हर दुख दर्द से परे होकर शुरू किया था। पर आज जैनिज्म में इस रीत को दीक्षा लेने से पहले एक कंपलसरी रिचुअल बना दिया गया है, जिसमें डिवोटीज सर पर राख मलकर दूसरों की मदद से या खुद ही एक एक करके अपने बालों को नोच नोच कर निकालते हैं। इसके बाद ये चीज साल में कई बार होती है, खासकर जैनिज्म के सबसे बड़े फेस्टिवल पर्युषण के दौरान। पर अभी अभी यानी आज से करीबन 10 से 12 साल पहले ही पॉपुलर हुए इस रिचुअल का मतलब पहले से बिल्कुल बदल चुका है। लोग इसे सेल्फ पनिशमेंट के तौर पर देखते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक दर्द को खुशी खुशी सहना, अपने जीवन में माया मिथ्या से दूर रहना, उन्हें त्याग देना अपने पापों से मोक्ष पाने का एक जरिया है। लेकिन जैनिज्म में एक ऐसा भी रिचुअल है जिसे रिचुअल कहे या आत्महत्या, इसका जवाब आज दुनिया ढूंढ रही है। सल्ले खाना कही जाने वाली इस अनजानी रिचुअल को जानकर आप भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि इसमें लोग धीरे धीरे करके फूड और लिक्विड के इंटेक को बंद करने की कसम खाते हैं और फिर उनकी इस फास्टिंग से उनकी मौत हो जाती है। अब हालांकि एंशियंट टाइम की तरह अब ये प्रैक्टिस अनकॉमन है, पर बीबीसी रिपोर्ट 2015 में हर साल 300 जैन्स के इस फास्टिंग से बनने की खबर आई है। और 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट के इसे बैन करने के बाद हाईकोर्ट वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगाकर बैन को हटा दिया, जिससे जैन बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके मुताबिक ये आत्महत्या पाप और निराशा से अलग है, ये मौत पर जीत और आशा की निशानी है। पर क्या सच में? क्योंकि रीबर्थ के जिस कॉन्सेप्ट पर ये रिचुअल चलती है वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन लोग इस बात को लॉजिकली देखने के बजाय इस सदियों से चली आ रही रीत को अंधविश्वासी नजरों से देखते हैं, जिसे वो बदलने में नहीं बल्कि फॉलो करने में विश्वास रखते हैं। नंबर 3, त्योहारों का रंग चढ़े या ना चढ़े लाठी जरूर उठी। अब अक्षय की टॉयलेट फिल्म का ये गाना तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, मैं उसी होली के प्यार भरे लाट की बात कर रहा हूँ, जहाँ बीविया हाथ में लकड़े की लाठ लिए अपने हस्बैंड पर वार करती और हस्बैंड अपने बचाव के लिए ढाल का इस्तेमाल करते हैं। ये परंपरा कहो या फेस्टिवल सदियों से बनारस और नंदगांव में मनाई जा रही है। टॉकिंग अबाउट ओरिजिन्स, तो इस लाठमार होली को श्री कृष्ण के वक्त से मनाया जा रहा है। और दरअसल बात ऐसी थी कि होली के दिन नंदगांव के नटखट श्री कृष्ण अपने दोस्तों के संग राधा रानी और उनकी सहेलियों को परेशान करने और रंग चढ़ाने बनारस जा पहुंचे थे, और जैसे ही कृष्ण और उनके दोस्त बनारस पहुंचे, वैसे ही राधा रानी और उनकी सहेलियों ने लाठ से वार करना चालू कर दिया था, जिसको फिर बनारस के और नंदगांव के दूसरे मर्द और औरत ने भी फॉलो किया। एंड फॉलोइंग द सेम ट्रेंड, हर साल नंदगांव और बनारस के मर्द और औरत ग्राउंड पे इकट्ठा होते हैं और राधा कृष्ण के जैसे प्यार भरी लाठ मार होली मनाते हैं। अब एक को लग गई नहीं लगती वो ढाल के ऊपर मारते हैं ना, भी केस ना मौत का फाइल हुआ है और ना ही इंजुरीज का। ये यार अच्छा है यार, नॉट इन बनारस बट इन शायद हुए वही, जहाँ लाठ की प्यारी भरी होली नहीं बल्कि गुस्से भरी लाठों से बनी फेस्टिवल मनाई जाती है। दरअसल एपी के दीवारगतु टेंपल में हर दशहरे की रात को लाखों लोग सफेद कुर्ता पहने हाथों में लाठियां पकड़े एक दूसरे का सर तोड़ देना चाहते। बिल्कुल सही सुना आपने, सर तोड़ने। अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट पुलिस 113 वर इंजर्ड इन 2012, 34 इन 2013। बट हैरानी की बात तो ये है कि इतने सारे इंजरीज होने के बाद भी आज तक सिर्फ एक ही इंसान की जान गई थी, मरे नहीं है, 2006। बट उसके इन्वेस्टिगेशंस पे ये बात भी सामने आई कि इट वाज अ प्लान मर्डर, कवर अप से किया गया था। यानी कि इट इज सेफ टू से कि रिचुअल्स की वजह से किसी की जान नहीं गई, बट फिर भी ऐसे रिचुअल्स जहां खतरा जान का हो वैसे रिचुअल्स मनाए ही क्यों जाते हैं।
वेल बानी फेस्टिवल को कब से मनाया जा रहा है वो तो इतिहास को डंडे वाला खतरनाक है जवाब है हमारे पास। दरअसल ऐसा माना जाता है कि दशहरे की रात को अगले दिन की सुबह तक भगवान शिव ने एक असुर से जंग लड़ी थी और सुबह को असुर का नाश और सच्चाई की जीत हुई थी। बस उसी मैसेज ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल को हर साल फिर मनाना चालू कर दिया गया जो आगे चल के बानी फेस्टिवल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नंबर फोर, बिना किसी लॉजिक के बेबी को गिराएंगे 50 फीट से। 700 साल से आ रही ये बच्चे को 50 फीट से गिराने की परंपरा को आज भी हर साल किया जा रहा है। टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, तो बाबू उमेर दरगाह में हर साल करीबन 200 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि हर साल 200 बच्चों को 50 फीट के ऊपर से नीचे फेंकते हैं, जहां नीचे गांव वाले कपड़ा लिए खड़े होते हैं टू कैच द फॉलिंग बेबीज। एंड व्हाट इफ मैं कहूं कि ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि बेबीज कैन लिव अ हेल्दी एंड चीयरफुल लॉन्ग लाइफ। बट क्यों, ये भी गलत है। एक्चुअली 700 साल पहले लैक ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से इन्फेंट मोर्टैलिटी, लेकिन हर चीज के पीछे लोगों को बस वो नजर आ जाए तो फिर वो शुरू हो जाते हैं। लोगों के पास बस सुपरस्टिशंस का ही सहारा था और उसी सुपरस्टिशन के चलते उन्होंने बाबा उमेर दरगाह के मौलाने की कहो या डॉक्टर की कहो बच्चों को गिराना शुरू कर दिया। तब बच्चे को मौलाने या पीर ऊपर से गिराते थे और पेरेंट्स बच्चे को बिना किसी कपड़े के सहारे पकड़ते थे। इफ बच्चा हाथ में आया यानी कि खुदा की उस बच्चे पर रहमत है एंड ही विल लिव अ लॉन्ग लाइफ। बट इफ बच्चा हाथ में नहीं आया यानी वो बच्चा आज नहीं तो कल बनने ही वाला था। आई मीन सो वियर्ड, बट हैरानी वाली बात तो ये है कि ऐसी वियर्ड रिचुअल को अभी भी गुड लक एंड गुड लाइफ के सुपरस्टिशन पे माने हुए हैं, जिसकी एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। पिछले वाले भी देखो तो वो भी काफी खतरनाक थे। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट्स काफी कम हो चुके हैं, बट ऑब्वियसली ऑल थैंक्स टू वैक्सीनेशंस एंड मेडिकल एडवांसमेंट, जिसके चलते देयर आर मैंडेटरी वैक्सीनेशंस फॉर चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, अभी हर चीज की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस, मीजल्स, मंप्स, रूबेला, पोलियो एटसेट्रा। यानी कि जिस कारण से इस बेबी टॉसिंग के रिचुअल को शुरू किया था अब वो रीजन ही खत्म हो गया है। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अब भी लोग इस सुपरस्टिशन को क्यों नहीं छोड़ पा रहे, क्यों वो सुपरस्टिशंस के चलते अपना रिलीजियस फियर बढ़ाते चले जा रहे। वेल साइंस की सुने तो सुपरस्टिशंस हैज मेड अ प्लेस इन आवर माइंड, क्योंकि देखने जाए तो अंधविश्वास और कुछ नहीं बल्कि एक लॉन्ग हेल्ड बिलीफ है जो हम सुनते आ रहे हैं कल्चर के नाम पर। और ऐसे ही हम जानते हैं कि जो हम सुनते हैं और देखते हैं हमारे माइंड को वही धीरे धीरे सही लगने लगता है। एंड विदाउट नोइंग द लॉजिक ब्रेन उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है एज अ रियलिटी, वेयर एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट फाइंडिंग अ कंफर्ट जोन। और सभी को पता है कि खुद के कंफर्ट जोन को छोड़ बाहर आना दिमाग के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि कंफर्ट जोन को छोड़ना, उस चीज को छोड़ना जो आप बचपन से सोचते समझते आ रहे हो, एंड न्यू थिंग्स को एक्सेप्ट करना जिसके लिए आपको शुरुआत से हजारों सालों से रिचुअल्स चले आ रहे हैं, प्लस लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये सवाल बना रहेगा, एंड प्लस ये नई चीज राइट होगी या रॉन्ग ये सवाल भी सताता है। यही सब सवाल डर बनते हैं और वो डर कुछ नहीं बट रिलीजियस डर है। बिल्कुल, इसी के साथ यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार देखो हर रिलीजन में कोई ना कोई मतलब इस तरह रिचुअल्स होते हैं जो लोग करते हैं। देखो हर कोई नहीं करता, लेकिन वो कुछ जगह पे थोड़े से वो लोग होते हैं जो ये रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। जिस तरह वो डंडा मारने वाला डंडा वाला एक गांव के अंदर था, जिस तरह बच्चे वाला एक गांव के अंदर था, एक जगह मतलब एक वो जेंट्स का भी मतलब वो एक थोड़े से सर्कल में था, थोड़े से सर्कल में था वो जो बांध कर और ऊपर लटका देते हैं। ये हर कंट्री में हर रिलीजन में ऐसे अलग अलग होते हैं, देखने में बंदा शॉक हो जाता है। अभी अपने फर्स्ट टाइम सारे रिलीजन ये देखे है, ये देख अब इंडिया इतना डाइवर्स है भाई, देखो उसमें हजारों तरह के रिचुअल्स है, हर देश में उसके अपने अपने होते हैं यार। उस लिहाज से किस तरीके से चलते यार, तो होता है यार एक लिहाज से, मतलब इनको हम गलत भी नहीं कह सकते क्योंकि उनका अपना बिलीफ है, किसी के बिलीफ को हम गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल, तो मतलब लेकिन ये देखने में वो थोड़ा अजीब लगता है। हाँ। देखो यार अब देखिए आजकल के दौर में इस तरह अब हमारे जैसे लोगों को ये वाली चीज अजीब लगी क्योंकि हमने ये चीज कभी नहीं की। आप हमारे व्यूअर्स आप लोगों ने भी देखा होगा, आपको अजीब लगा होगा। बिल्कुल, लेकिन वो लोग सदियों से मनाए आ रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज है, वो ऐसी चीज होगी है कि वो भूल ही नहीं पा रहे इस चीज को। बिल्कुल, लेकिन इसमें ये है कि इसमें सुना है कि वाकई में मतलब जितने भी इन्होंने फैक्ट बताया उसमें लोगों की जान उससे नहीं गई है। मतलब जिस तरीके से मनाते हैं वो अपने देखो उनका अपने मानना का जैन का अपना था, वो कोई अपना था, मतलब हर तरह का वो अलग था और काफी खतरनाक भी था। हाँ भाई वो मतलब सुई कर दिया, वो यहाँ से टांग दिया, डंडे मार दिया, ऊपर से फेंक देना,
मतलब वो एक भूखा अपने आप को रखा विराग और जब तक मर गए वो मतलब खाना इस तरह काम करता था। सो गाइस आप लोग इनके बारे में क्या कहते हैं अपने कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।